बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रेसिडेंट हाउस से बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन से। और आज महामहिम राष्ट्रपति ने लखनऊ की आन बान शान हकीम उम्मत मौलाना डॉक्टर सैयद कलबे सादिक साहब को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा, जिसको मैंने रिसीव किया। फारिद मरहूम पहले शिया आलिमदीन हैं कि जिनको पद्म भूषण से विभूषित किया गया। जिस तरीके से वो पहले आलिमदीन थे कि जिन्होंने एक अलग राह इख्तियार की और मॉडर्न एजुकेशन की फील्ड में एक इंकलाब बरपा कर दिया, वो पहले आलिमदीन थे कि जो टाइम की देते या पंचुअलिटी करते थे, वो पहले आलिमदीन थे कि जो ईद के चांद का ऐलान साइंटिफिक बुनियाद पर पहले से कर देते थे। तो आज उनको ये सम्मान दिया गया, ये हर लखनऊ वासी के लिए फ़ख्र की बात है, प्राउड की बात है, गर्व की बात है। और मैं इस अवार्ड को डेडिकेट करता हूँ अपनी पूरी फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी मदर को, अपने बहनोई जनाब लक्ष्मी साहब को, अपने भाइयों कलबे हुसैन साहब, कलबे मुंतज़िर साहब और अपनी बहन को, कि जिनके कोऑपरेशन के बग़ैर वालिद मरहूम इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते थे। जब तक कि घर वाले कोऑपरेशन ना दें, सहयोग ना दें, उस वक्त तक तरक्की करना नामुमकिन है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी दिखाई हुई राह पे और लोग भी चलेंगे, ताकि इस तरह के एजाजात और मिलें और कौम और कम्युनिटी का विकार और बुलंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।